का बोले हम और हम का बोले का से बोल में कुछ रह नहीं गया लोगों ये लोगों पूरी व्यवस्था में हम जो बार बार कहा थे आज सुक्वार है वाजे के देना शाम के सुक्वार की पिछले सुक्वार की शाम के सटई रोड पे एक छोटा सा मासूम बच्चा एक चैम्बर में दब के मर गया। एक हफ्ता से उसके बाप मताई भटक रहे कि जो ठेकेदार जी ने लापरवाही करी जी ने खोलो चैम्बर छोड़ो बनाकर छोड़ो खतरा में छोड़ो उसके खिलाफ FIR हो जाए लेकिन को नहीं सुन रहा को नहीं सुन रहा। और दूसरा काम जरूर पुलिस कर रही कि अगर रंगदारी कराने को कि दुकान खाली कराने जमीन पे कब्जा करने और मकान पे कब्जा करने तो पुलिस अब उनको साथ दे रही। ऐसी दो घटना हमारे सामने आई है। पहली घटना हम बाहर दिखा रहे हैं जो हमें पुलिस की लापरवाही सामने दिखा रही सीधी सीधी घटना है। प्रमाण एक बच्चे की जान चली गई लेकिन आज तक FIR ठेकेदार पर दर्ज नहीं हो पाई कहा से वो रंगदार भी है या घटना था देखो बाकी में भटकाव कर रहे हैं जो करुण रोदन सुन के आत्मा और छाती फट जाते हैं कि जो एक 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत होने के बाद उनके परिजन कैसे बिलख रहे और जब बिलखना कल्पना आज तक चल रही बच्चे की रह रहे के ध्यान सबके आ रही पलो पुष्प बच्चा जो हतु पुष्पेंद्र सिंह नाम हतु ही को पुष्पेंद्र सिंह कर्ण कहा जी आशीष कर्ण को भतीजो हतु और जो खेल रहा तो सुक्वार की शाम के पिछले सुक्वार की 7:30 बजे और खेलत खेलत जो चैम्बर के नीचे धरवा तो चैम्बर देखो इतना खतरनाक है कि इनमें अगर कोई बच्चा गिरे तो सोचो उनकी क्या दशा हुई है और उसके बाद आज तक पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं करी। मासूम बच्चों को सब देख के आदमी की छाती फटत है। ये मासूम बच्चा के पिता महाराणा प्रताप नगर वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं राकेश कुमार खान। इनको बेचारे को जो कह वो है कि जो ठेकेदार है अभिनव गुप्ता उसकी लापरवाही है सीधी सीधी और उन्हें सोचल के ने ऐसे खुले चैम्बर छोड़ दिया कि एक बच्चे की उनके बच्चे की भले पोसे बच्चे की FIR के लाने बार बार सभी लाइन थाना जा रहा लेकिन पुलिस सुन नहीं रही उनकी कौन सुनवाई नहीं हो रही जो इस शहर के थाने को हाल है। और दूसरा हम सिटी कोतवाली को बता रहे कि भैया सिटी कोतवाली पुलिस अब रंगदारी भी करवाने लगी अगर को की दुकान पर कब्जा है को का को कोर्ट में केस चल रहा तो कोर्ट जाए भाड़ में पुलिस ऐसा कहा था हम निपटा दें पुलिस ही कोर्ट हो गई पुलिस ही कचहरी हो गई। पुलिस लाइन है लोन पुलिस लाइन के पास एक फर्नीचर की दुकान आती खाले खाते जी और इनने एक दुकान किराए से ले थी कुछ साल पहले उस दुकान के किराए से इनको जो के हुए कि इनने दुकानदार जो नतो दुकान को माल है वो 7-8 लाख रुपए की जरूरत थी सुबह दे थे और वे रुपया उन्हें लौटाए नहीं दुकान खाली करावे के लाने अलग फिर रहा और जब उन्हें पैसा मांगे तो दुकान तो खाली करावे के लाने पुलिस को सहयोग ले रहा पुलिस ने कहा करो पहले धमकाओ कर दुकान खाली कर दो TI खुद पहुंचे धमकावे जब वो नहीं मानो तो उन्हें जाके वो पकड़ के थाने में बैठा के धमका वो नहीं मानो तो अगले दिन छोड़ के फिर उन्हें क्या करो कि वो फिर बुला लो कछु लड़कने जाके सामान दुकान को फेंक दो दुकान खाली करा ले जब घटना दुकान के सामने लगे CCTV में भी कैद भई खाले को कह रहे हो कि हम कोर्ट में केस चल रहा काय साहब इनसे पैसे मिल लें और हमें अगर नुकसान होगा लॉकडाउन में स्थिति जाए कि आदमी के धंधे नहीं चल रहे प्रशासन शासन तो जो कह रहे हो किराया माफ हो जाए इतने उल्टो हो रहा हो एक तो पैसा ले रहा हो भाई दुकान खाली कर रहे जो आरोप है दूसरा पक्ष का कह रहा हो जो हमें मिल नहीं पाओ दूसरे पक्ष को क्या वो जो है कि हमारी दुकान खाली नहीं कर रहे हमें इनसे दुकान खाली कराना है। अब सच्चाई का है जब जांच के विषय लेके पहले पुलिस खुद कानून हाथ में लेकर काम कर रही सो आप ये खाले अपने परिवार को लेके SP ऑफिस से लेके सब जगह चक्कर काट रहे हो कह रहे हैं कि हमें तो अगर हमारी दुकान में वापस नहीं मिली तो हम आत्महत्या कर लें परिवार के संग में और जब इन्हें जा धमकी रही तो पुलिस कह रही काम करो तारा तुम अपना डाल लो वो अपना तुम खोलो ना बे खोले दुकान कोर्ट को जब फैसला हो जाए तब देख ली पुलिस के कार्यों का दिया अगर कोर्ट के फैसले की तो सामान तुम में जैसे निकलवा रखवा के हम तो सुपर्द करो बंद करा भी खोल भी खोलो पावर तुम्हें कीने दे दो तो एक बड़ा सवाल है सुने रहे खाले के SP ऑफिस गए नए SP के इनने दही है आवेदन अपनो यार राम राम आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल हमें राजेंद्र त्रिवेदी आज एक मामला आप दुकान को आओ है जी आई SP साहब कहते शिकायत कर भी गिलाने तो इनसे पूछ रहा है मामला है का भैया नाम का है मोहम्मद खालिद का है मसला इतने काय गिलाने हम भाई जब गिलाने आए
कि रजा हॉल के नीचे पुलिस लाइन में अपनी 30x40 की दुकान है जन्नत फर्नीचर के नाम से, जो 2008 से हम लगातार चला रहे। 2008 में हमने ये किराए पे ली थी, जिनसे किराए पे ली थी उन्हें पैसों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपन से 8 लाख रुपए लिए थे। अच्छा। जी, और 2017 तक अपन दुकान हर 11 महीने की लेखा पड़ी अपनी होती रही। 2017 में वो लोग खाली के लिए कह रहे थे, तो हमने उनसे पैसों के लिए कहा, तो वे पैसे देना नहीं चाहते थे, उनकी नीयत ख़राब हो चुकी थी, वो पैसे नहीं दे रहे थे, बलपूर्वक खाली कराना चाहते थे, पर दुकान में दुकान हम खोले थे। जी नहीं, तो आपके संग का घटना घट गई है, सो का होगा, सामान वामान फेंक दो, ने का भाव कीने का करो। हाँ, तो जिससे हमने दुकान ली थी उन्होंने चोरी छुपे 2018-2019 में, ये दुकान 2018 की लास्ट वीक में ये दुकान चोरी से दूसरे को बेच दी। अच्छा। जी, तो जिसने ली वो बोला हम 8 लाख रुपए देंगे, आप 14 महीने की लेखा पढ़ी करवा लीजिए। तो 14 महीने की लेखा पढ़ी हुई, वे बोले 1-2 महीने में हम पैसे दे देंगे। 14 महीने के 16 महीने हो गए, पर उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए। और कल शाम की घटना है 4 बजे की, 20-25 लोग लाठी डंडा हथियार लेके आए हैं और पूरा रोड पे सामान फेंक दिया है। और इस घटना के पहले आधा घंटा पहले हमारे पास मुंशी जी का फ़ोन आया, वे बोले साहब बुला रहे, और जैसे ही हम वहाँ गए तो साहब वहाँ नहीं थे। तो हमने पूछा, हमने कि कहाँ गए, तो बोले बैठो तुम आ रहे। वहीं पे हमारा एक दोस्त है आरक्षक, उसने बताया कि तुम्हारी दुकान का सामान तो पूरा बाहर फेंका हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने कि भाई जब पुलिस बैठा रहे तो ना तो हमारी रिपोर्ट लिखी गई है, और पूरी रात पूरा दिन अभी छोड़ा है इन लोगों ने हमें, और ना हमारी रिपोर्ट लिखी गई है, और अपराधियों को किसी को इन्होंने पकड़ा ही नहीं है। एक भी अपराधी को 20-25 लड़के आए थे, और शेख मोहम्मद संगे थे उसमें, नारायण बाग नए मोहल्ले में रहते हैं। हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है इनका, और इन्होंने पूरा सामान फेंक दिया। दुकान में जो बिक्री के पैसे रखे हुए थे कल हमारे बैंक में जमा करवाना थे, तकरीबन 4 लाख रुपये रखे थे, तो दुकान हम तो कोतवाली में थे, तो ना वो पैसे मिले हैं, और हमारा सामान भी काफ़ी गायब है। जी, और हमारी सबसे बड़ी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है अभी तक। जो है इनको मामला बहुत पेचीदा हो रहा होगा, वे बता रहे कि दुकान हमारी खाली करवा के सामान फेंक दो, अब इनसे पूछ रहे हैं इनके संगे इनके घर से भी हैं, इनसे भी जानकारी ले रहे हैं कि क्या घटना घटी, कैसी घटी, क्या होगा भाई। कल हमारे आदमी को पकड़ लिया गया था 4 बजे, और दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया था, और हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए थे तो रिपोर्ट भी लिखी गई है हम लोग की, इस वजह से हम यहाँ पर आए, तो यहाँ हमने जमा करवाए अपने कागज़, हम चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। अब भैया जा है इनकी स्पष्ट दशा कि जी में मुंशी जी ने बुलाओ इन्हें कोतवाली में बिठा लोगो, वो तो माँ पर दुकान खाली करवा देंगे। इनमें पुलिस की संदिग्ध भूमिका है, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा, जो न्याय के लाने SP साहब कहते गुहार लगावे आए। अब देखने वालों मामला है जो कि आगे पुलिस ही में का कार्रवाई कर रही, इनकी सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही, अगर नहीं सुनी जा रही तो बुंदेली चुगली इनको जो कह वो है कि अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा तो मैं इनसे पूछ रहे कि का कह रहे चाहत जी के न्याय नहीं मिल रहा तो जो कौन सा कदम उठा रहे, बार बार वे कह रहे, तो भैया का है अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो आए हो आगे को का रास्ते नहीं। भाई साहब हमारी एक तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और आज समाजक तथ्यों ने 20-25 लड़के शेख मोहम्मद खुद आए उनके संगे और हथियार बंधे थे, पूरा सामान हम फेंक दिया, दुकान में जो हमारी बिक्री के पैसे रखे हुए थे तकरीबन 4 लाख रुपये वो भी लूट हो गए हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हमारा सामान बाहर फेंक दिया गया। और अगर कल से अभी तक हमारी कल 4:30 की घटना है, आज तक अभी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है, अपराधी खुलेआम फिर रहे हैं, हमारी जान को खतरा भी है, और तारे उनके डले हुए हैं, प्रशासन के नहीं डले, कि ऐसा संवेदनशील चीज़ है तो प्रशासन अपने ताले डाल देता, ताले उनके डले हुए हैं। अगर हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है तो हम अपने मैं बीवी बच्चों के अपनी दुकान के सामने ही आत्मदाह करेंगे। भैया जो है इनको स्पष्ट संदेश हो, पुलिस के लाने नए कप्तान आए, हालांकि कप्तान बदल गए,
अब देखने वाली बात यह है कि जो नए कप्तान क्या कर रहे हैं, इंसाफ दिला पा रहे हैं या नहीं दिला पा रहे हैं, का जो मामला बहुत पेचीदा हो जा रहा है। जा है भैया दशा, जो कान नहीं लगाते कौन बगीचा बर्बाद कर लाने, एक उल्लू काफी है, हर साथ को उल्लू बैठे ससुर में। बहुत बड़ी दशा है, प्रशासन पे भरोसा उठ रहे कि जनता पे कौन सही बोल रहा है, ये लाना ही बड़ा आजकल बड़ी स्थिति खराब हो गई। हम जो नहीं कह रहे खालिक सही नहीं है, या हम जो नहीं कह रहे पुलिस सही है, लेकिन स्थितियां कारण बन रही है, पीछे कुछ ना कुछ कारण हो, बिना उनकी जांच करें प्रशासन के अपने दायरे अपनी सीमा अपनी परिधि ना लागू चाहिए हमारे के ऊपर। अगर कोर्ट में केस चल रहा तो कोर्ट को निर्णय आवे तक प्रशासन के दखल ना दो चाहिए, जो तेरा कोर्ट को निर्णय होने के बाद प्रशासन बिल्कुल जैसी भी चला रहे तो कांच को सामान लूट ले कुड़की कर ले बिल्कुल मंजूर है, लेकिन कानून के रखवाले कानून हाथ में ले जो अक्षम हो समाज में, और ऐसे समाज में पुलिस पर से आदमी को विश्वास जुड़ जाए। भैया हमने रविदास भी खर संगे भरा है। जय हाँ जी।